हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टेरोडैक्टिल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, जो पर्सन हर वक्त हर घड़ी आपके मन में आपके दिल में चलते रहते हैं, यही पर्सन अगले 2 दिनों में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, किस तरह के थॉट इनके मन में चलने वाले हैं, क्या इन 2 दिनों में ये आपको याद करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो यही जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो भी होगी वो टाइमलेस होगी, एज एन जब भी आपके सामने आती है आपका समय तब से स्टार्ट होगा और उससे अगले 2 दिन करके आपको इस रीडिंग को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर अगले 2 दिनों में ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। बस फोकस आपको करते रहना है अपने उसी प्यार के ऊपर जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड एंड मैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi2@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है सीक फीलिंग अलोन, गाइड कीजिए, बताइए अगले 2 दिनों में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, किस एनर्जीज में ये नेक्स्ट 2 डेज में रहने वाले हैं। रिफ्यूजिंग टू सी, टेक द लीड, गाइड कीजिए, बताइए अगले 2 दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज में क्या एनर्जीज रहेगी इनकी। न्यू वाइटलिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी बेकन, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, गाइड कीजिए। अलोननेस, गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 2 डेज क्या रहेगी इस पर्सन की एनर्जीज। माइंड, अगले 2 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी जिनसे व्यूअर्स बहुत प्यार करते हैं। फाइटिंग, नेक्स्ट 2 डेज में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। अबेंडेंस, एक और कार्ड दीजिए, बताइए गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। सॉरो, बॉटम ऑफ द डेक है हारमोनी, ठीक है। देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ ये उसी पर्सन की होगी जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एनेरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 9 मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ये सितंबर मंथ, चाहे फिर वो किसी भी वे में हो, ठीक है। अब ये सितंबर मंथ आपको पास्ट को ध्यान में रखकर लेकर चलना होगा, ठीक है। एज एन कि इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप लोग मिले थे सितंबर मंथ में, आप लोग जब लास्ट टाइम बिछड़े थे तो वो सितंबर मंथ था, 9 साल का आपका रिश्ता था, 9 महीने से आप लोग अलग अलग हो, किसी तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। जबरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, ना राशियां, ना रीडिंग, ना नंबर्स, ठीक है। जितना मिलता है उतना लीजिएगा, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि अगले 2 दिनों में ये
प्रसन्ना अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे विद द सीक एंड द अलोननेस कार्ड। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हैं जिसमें इन्हें अपनी खोज करनी है, अपने बारे में जानना है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मुझे किस में खुशी मिलती है, किस में आज़ादी मिलती है। तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हैं अगले दो दिनों में जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हालांकि इन्हें वो अकेलापन परेशान करेगा, लेकिन फिर भी ये अकेला रहना पसंद भी करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले ही रहेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये इस समय को दो दिनों में बहुत ज़्यादा नेचर में जाएं, पार्क वगैरह जाएं या बाहर निकल जाएं, एक जैसे होता है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए या फिर बस चले गए ऐसे ही वॉक पे निकल गए, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन की रहने वाली है, जैसे कि एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता क्या हूँ या क्या चाहती हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपने आप को अकेला करेंगे भी और अपने आप को अकेला फील भी करेंगे। एज एन इनके इसी अकेलेपन की वजह से इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग जैसे ओवर एनालाइज कर रहा है, ओवरलोड हो रहा है इनका दिमाग बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस में सोचने की वजह से। तो कुछ इस तरह से इनके साथ होने वाला है। यानी कि इस अकेलेपन में इस पर्सन को बेहद ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होने वाला है कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मुझे इस अकेलेपन में संभाल सके। ये पर्सन इस चीज़ से अपने आप को बहुत ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे, एज एन अपना फोकस चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सिचुएशन को, इन हालातों को अपने आप से संभाल सकें। लेकिन डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ये पर्सन क्योंकि करेंगे, इसी रीज़न की वजह से इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने भी लगेंगी जो कब इनके दिमाग को कंट्रोल करने लग रही हैं, इन्हें खुद उस चीज़ का एहसास नहीं होगा या कब इनका फोकस किस चीज़ पे जा चुका है उस चीज़ का इन्हें एहसास नहीं होने वाला है, या ये कब एक एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कब इनका फोकस जो है अपनी खोज से शिफ्ट हो रहा है, उस चीज़ का एहसास इन्हें डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। वो एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ डेफिनेटली नेक्स्ट टू डेज़ में अकेला कर भी लेंगे और अकेले रहने भी वाले हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन बेहद ज़्यादा सोचने वाली एनर्जीज में, बेहद ज़्यादा एक्सेस में नेगेटिव होने की वजह से उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे जो इनके दिमाग में चल रही हैं, एज एन की जो लॉजिक्स जो इनका दिमाग बोलता आया है अभी तक, चीज़ों को जो इनका दिमाग अपने मन मुताबिक करने के चक्कर में ही ख़राब करता आया है। तो ये पर्सन उसी थॉट को, उसी अपने माइंड गेम को कहीं ना कहीं अपने माइंड से शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एनर्जीज है जो इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फाइट करने वाली है, एज एन एक ऐसी एनर्जी की खुद ये उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब करेंगी, अकेला करेंगी, बहुत ज़्यादा मन में बेचैनियाँ इनके होने लगेगी। तो ये उसे रिफ्यूज़ करना भी चाहेंगे तो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि अगले दो दिनों में ये पर्सन ना दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, दिमाग से चीज़ों को डील करने वाले हैं और दिमाग में ही इनके काफ़ी सारे थॉट्स एक साथ चलने वाले हैं, ये यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि साथ में कि ये पर्सन क्योंकि इस दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से इनका जो ब्रेन है इन्हें अट्रैक्ट करेगा अबेंडेंस की तरफ कि भाई तुम अब इस वक्त में अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को पैसों में देखो, मटेरियल चीज़ों में देखो, तुम उसकी लीड लो, उसकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लो, उस पर फोकस करो या उसकी तरफ जाने का डिसीज़न लो। तो इस तरह का दिमाग इनसे बात करने वाला है या ये अपने दिमाग से इस तरह से बात करने वाले हैं। तो दिमाग इस कदर इनके ऊपर हावी रहेगा और वही दिमाग इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ करा रहा है कि तुम अकेले हो और अगर तुम्हें इस अकेलेपन को भरना है तो तुम्हें अपना फोकस
अबेंडेंस पर, मटेरियल चीज़ों पर, उस प्रॉस्पेरिटी पर लगाना होगा या नई ग्रोथ की तरफ तुम्हें लगाना होगा। वक्त है इस वक्त में अपने पैशन को बदलने की, वक्त है इस वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की, वो भी मटेरियल फॉर्म में। तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हालांकि ऐसा तो नहीं है कि दिल इनका बिल्कुल बोलना बंद कर दे, बिल्कुल गूंगा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल ही तो इन्हें परेशान कर रहा है विद दिस सोरो कार्ड। दिल ही तो इन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा है कि तुम अकेले रह गए हो या तुम्हारे पास कोई और इस वक्त में नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन एकदम ऐसी है कि तुम इन सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते हो, इस सिचुएशन से तुम खुश भी नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी खो चुके हो, तुमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं और जो वक्त आया था, जो मौका आया था, तुमने उसे भी खो दिया। वरना आज की डेट में तुम एक परिवार में होते, तुम्हारा एक परिवार होता, घर होता, तो वो चीज़ें इनके मन में चलेंगी। तो ओवरऑल इन सब कार्ड से ये क्लियरली पता चल रहा है कि अगले दो दिनों में ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन, डिस्टर्ब रहेंगे, जैसे कि दिमाग में इनके युद्ध चल रहा हो, जिससे ये अपना फोकस शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब दिमाग से सोच रहे हैं तो अलग स्टोरी चल रही है और जब दिल से सोच रहे हैं तो अलग स्टोरी चल रही है। और सब सूरतों में ये पर्सन अपने आप को अकेला, तन्हा फील कर रहे हैं और उससे अपना फोकस शिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एज एन अपने दिल और दिमाग को छोड़कर इंसान कहाँ चला जाए, तो कुछ ऐसा इनके साथ होगा। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए अगले दो दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए क्या रहने वाली है। नेक्स्ट टू डेज़ में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेगी, क्या सोच रहेगी। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन जो अपनी खोज में निकलने वाले हैं अगले दो दिनों में, उसकी वजह है आप। आपके प्रति इन्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा और उस अट्रैक्शन से अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को खोजने निकल बैठेंगे या अपने आप को अकेला कर लेंगे और अकेला महसूस भी करने लगेंगे। एज एन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जितनी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी यादें आएंगी, जितना ज़्यादा इनकी इच्छा आपकी तरफ बढ़ने की या आपके साथ जो भी सपने इनके लाइफ में बने थे या ये पूरा करना चाहते थे, तो जितना ज़्यादा इनका ध्यान आपकी तरफ बढ़ेगा, ये पर्सन अपने ऊपर दबाव डालेंगे कि इन्हें आपके बारे में नहीं, जो आज की डेट में इम्पॉसिबल है, यानी कि आपका साथ, आपके साथ वापस से रिश्ते में हारमोनी आना। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि जानबूझकर ये अपना फोकस नेगेटिव साइड में डालेंगे, जानबूझकर अपने आप को इस चीज़ के लिए कन्विंस करेंगे कि आप जो इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के तौर पर थे, वो ब्लेसिंग्स अब ऑलरेडी इनकी लाइफ से जा चुकी है, ये अकेले रह चुके हैं, इन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और इसी एक्सेप्टेंस के साथ इन्हें आगे बढ़ना होगा। तो अपना फोकस जानबूझकर ये पर्सन अकेलेपन की तरफ ले जाते हुए आपको दिखाई देंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगले दो दिनों में ये इमोशनली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पेन देंगे कि मतलब तुमने खो दिया। ऐसी एनर्जी जैसे कि अपने आप पर से ही इनका भरोसा टूट रहा है, रिलेशनशिप पर से इनका भरोसा टूट रहा है, इतने ज़्यादा वरीड ये रहेंगे या अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला ये कर लेंगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। बेसिकली ये जो टूर भी जा रहे हैं या अकेला भी करने की कोशिश करेंगे ना अगले दो दिनों में, वो इमोशंस जो अभी भी इनके दिल में आपके लिए बचे हुए हैं ना, उनसे अपने आप को दूर करने के लिए, अकेला करने की कोशिश करेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और उसकी वजह मैंने बताई कि इन्हें लगेगा कि अब आपके साथ जो भी था वो अब सपना ही बनकर रह गया है और वो सपना अब हकीकत में नहीं बदलेगा, वो सपना अब बस इनकी एक इमेजिनेशन है या बस इनका एक सपना है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये पर्सन ना अपने आप को उस सपने से, अपने उस इमोशन से दूर धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं अगले दो दिनों में। ठीक है, फीलिंग अलोन के मामले में अगले दो दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रहेगी, गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स।
पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है, एज इन चाहे ये छोटे हों आपसे या आप इनसे छोटे हों, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अगले दो दिनों में ना जो आप लोगों के बीच में बीता वक्त था, उस बीते वक्त की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एज इन उस बीते वक्त में कितनी अच्छी चीज़ें थी, जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे या एक दूसरे कि हाँ में हाँ भरते थे, उस वक्त में किसी तरह का डर नहीं था कि क्या खो देंगे क्या मिलेगा। तो उस वक्त को ये पर्सन अगले दो दिनों में बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। हो सकता है जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो या आपके हस्बैंड या वाइफ हो और आपके बच्चे भी हों, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एनीवेज ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं अगले दिनों में इन्हें ना आपके साथ जो बीता वक्त था ना, जो पास्ट बन गया है आज की डेट में, उस पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आएगी। उसमें जो भी आप लोगों के रोमांटिक पल्स थे, जो एक दूसरे को आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, वो सब वक्त इन्हें ना जैसे फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे, तो वो इनके साथ होने वाला है। और जितना ज़्यादा ये पर्सन फ्लैशबैक की तरफ अपने आप को देखेंगे ना, उतना ज़्यादा इन्हें अकेलापन या खालीपन फील होगा, और उससे निकलने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लॉजिक्स को, अपने दिमाग को एक्सेस में यूज़ करने वाले हैं। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। तो अगले दो दिन में बीता वक्त इन्हें आपको, आपके साथ जो भी है ना, वो बहुत परेशान करने वाला है, बहुत ज़्यादा अकेला इन्हें कर देगा, जिससे ये अपने आप का फोकस शिफ्ट करने की कोशिश भी करेंगे। रिफ्यूजिंग टू सी के मामले में गाइड कीजिए, बताइए अगले दो दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी, क्या सोच रहेगी इनकी, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द ट्रांसफॉर्म, एक ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है जैसे कि अपने ऊपर इतनी फ्रस्ट्रेशन इन्हें होगी कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं इनकी ना समझी की वजह से, इनकी इमैच्योरिटी की वजह से हुई है। तो एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन इन्हें अपने आप पर ही होने वाली है या अपने आप पर ही उतारने वाले हैं। एज इन की देखो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इन्हें समझ में आने वाला है कि इन्होंने वक्त आते किन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया, किन चीज़ों को देखा नहीं, किन चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर दिया, किन चीज़ों पर हल्के में चीज़ों को नहीं लिया। तो उन चीज़ों का जैसे इस पर्सन को एहसास होगा या वो चीज़ें पीक लेवल तक इस पर्सन के दिमाग में हावी होंगी, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एज एन एक ऐसी एनर्जी जैसे समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में ये जो ट्रांसफॉर्म आया है ना, जो चीज़ें इन्हें प्यारी थी उनका जो अंत हुआ है, जो प्यारे रिश्ते थे आपके साथ जो उनका अंत है, वो बेसिकली इनकी वजह से हुआ है, जिसे ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसे एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, एक्सेप्टेंस पावर मुझे इस पर्सन की बहुत कम दिखाई दे रही है। एज एन ये जल्द अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, इनको गलतियां मानने पर ना इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो वो एनर्जी है। या इतना करेज इस पर्सन के अंदर नहीं है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो कुछ वही फाइटिंग इनके दिमाग में अगले दो दिनों में बेहद ज़्यादा होगी। एज इन समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें बदलाव जो आया है, चेंज जो आया है, वो इन्हीं की ना समझी की वजह से, इनकी इमैच्योरिटी की वजह से आया है, और अभी उसे सही भी नहीं कर पा रहे हैं, अब उसमें एक नई शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। इनको इस तरह से रियलाइज़ होगा कि ये जो भाग्य का चक्र है इसे इन्होंने रिवर्स में खुद से चलाया है। जो चीज़ें आज अप की डाउन में हो गई हैं, डाउन की अप में हो गई हैं, वो करने वाले ये खुद ही हैं, और उन चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों की जिम्मेदारियाँ ये नहीं उठा पाएंगे, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आने वाला है, ये चीज़ें बहुत हावी होने वाली हैं। और ऑब्वियसली जब अपनी गलतियां उस इंसान को दिखेंगी कि भाई तुमने करी, तुम्हारी वजह से हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन ही तो होगा या होगी। तो कुछ यही इनके साथ होने वाला है। इतने कैसी एनर्जी दिख रही है, सब चीज़ों का रियलाइज़ तो होगा लेकिन उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे हैं, जबकि इन्हें खुद उठानी चाहिए उन चीज़ों की जिम्मेदारियाँ। ठीक है, टेक द लीड के मामले में गाइड कीजिए, बताइए अगले दो दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी, क्या सोच रहेगी, गाइड कीजिए बताइए। टेक द लीड के मामले में इनकी क्या एनर्जीज रहेगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स,
नंबर 5 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका मई मंथ और नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। तो 5 साल का रिश्ता हो, 1 साल से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई हो, तो इस तरह से लेना है। या मई या जनवरी मंथ में कुछ स्पेसिफिक आपकी लाइफ में हुआ था। देखिए बेसिकली एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जितनी ज़्यादा इस पर्सन को क्लियरिटी होगी अपने इसी दिमाग से कि कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, कौन जिम्मेदार है, जितनी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की क्लियरिटी होगी उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को हर आईने में देखेंगे, उतना ज़्यादा इनका मुकाबला, इनका सामना अपने आप से ही होगा। वो एनर्जी है जैसे इनकी खुद की सोल इन्हें आवाज़ लगा कर ये बोलेगी कि भाई तुम खुद के ही दुश्मन बन गए, तुम खुद के ही सपनों के दुश्मन बन गए हो, और अब तुम किससे लड़ोगे, किससे तुम सामना करोगे। तो वो एनर्जी इनकी रहने वाली है। एज इन की ये पर्सन ना अगले 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सोच से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये सोचो कौन इंसान अपने आप से जीत सकता है, फिर ये इंसान तो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या एक्सेप्टेंस पावर मुझे इस पर्सन की बहुत लिमिटेड दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ ये होने वाला है अगले 2 दिनों में दिल अपने ओपिनियन देगा, दिमाग अपने ओपिनियन देगा, और ओवरऑल इन चीज़ों के बीच में जैसे कि इस पर्सन के खुद के जो एम्बिशन हैं, खुद के जो सपने हैं, वो सपने बनकर ही साइड में रह जाएंगे। तो वो एनर्जीज इनकी दिख रही है। एज इन की अपने आप को समझाने की कोशिश तो करेंगे कि भाई मुझे अब नई बातों को सोचना चाहिए, नए सिरे से मुझे चीज़ों को लेकर जाना चाहिए, या नई चीज़ पे मुझे अब फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली ज़मीर जो है इनका वो इन्हें करने भी नहीं देगा। तो वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एज एन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा इच्छा इनकी करेगी कि क्लियर करें, जो मन में एक बोझ इनके चल रहा है ना उसे क्लियर करें, किसी को या तो बता दें, बोल दें, ताकि मन हल्का हो जाए, चाहे फिर वो आपको ही क्यों ना बता दें, बट इसे दिल से निकाल दें। बट ये पर्सन खुद से अपने आप को जब अकेला कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्हें क्या बताएंगे, ये वो एनर्जीज इनकी रहेगी। न्यू वाइटलिटी के मामले में गाइड कीजिए, बताइए अगले 2 दिनों में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रहने वाली है, गाइड कीजिए बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इमैच्योर एनर्जी मुझे आपके पर्सन की बेहद ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। पॉसिबिलिटी है एज गैप भी हो आप लोगों के बीच में, बट यहाँ पर है ऐसा ही। नंबर 11 यानी कि आपका नवंबर मंथ भी मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन से रिलेट करता होगा। बेसिकली अगले 2 दिनों में अपने आप को डिफेंड करने की बेहद ज़्यादा कोशिश करेंगे, एज एन कोई आकर इन पर पॉइंट ना कर दे, कोई इनकी कमी ना गिना दे, कोई इन्हें ये ना बोल दे कि भाई तुमने सबसे पहले इस रिलेशनशिप में से गिव अप करा, या जब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले भागने वाले, मैदान छोड़ने वाले तुम ही निकले। तो ये पर्सन ना उन चीज़ों से अपने आप को गार्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की बेहद ज़्यादा कोशिश करेंगे, तभी तो ये अपने आप को अकेला कर लेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई आकर इनकी आँखों में देखकर इनसे ये सवाल ना कर ले, या ये ना पूछ ले भाई क्या हो गया था, ठीक है। तो वो इनके साथ रहने वाला है, उस दर्द को अपने अंदर ही समेट कर रखने के लिए ये पर्सन अपने आप को अकेला भी करेंगे और अपने आप को बचाते हुए भी फिरेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनकर दिखाने वाली एनर्जी, हद से ज़्यादा दिमाग से सोचने वाली एनर्जी, मैंने जो करा है सही करा है, मैंने कोई गलत नहीं करा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लिया। तो इस चीज़ का जैसे रिपीट एंड रिपीट पहाड़ा पड़ने वाली एनर्जी दिख रही है, अपने आप को वहीं पर बिठा कर ये दिखाना कि मैंने ना बहुत सोच समझ कर कराया है और यही मेरे लिए सही था। हालांकि वो चीज़ें खुद को दर्द पहुंचाएंगी, हालांकि वो चीज़ें खुद की नई ग्रोथ की तरफ एक रोड़ा बनेंगी। तो वो यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कोशिश बहुत करेंगे अपना ध्यान डाइवर्ट करने की, बट ओवरऑल नहीं हो पाएगा। अगले 2 दिनों में डेफिनेटली इस पर्सन की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी कि आपसे बात करें, आप के पास कोई मैसेज भेजें, कोई टेक्स्ट करें, आपको आपको बताएं कि आपसे बात करना चाहते हैं, जो मन में बोझ है, जो इनके सीने पे सांप की तरह घूम रहा है, तो ये उसे क्लियर करें। तो
वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं अगले दो दिनों में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि क्या इन सब के चलते इस पर्सन के कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट टू डेज़ में या नहीं, तो वो चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या अगले दिनों में, अगले दो दिनों में इनकी कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। भाई देखो, पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है इस पर्सन के कुछ लोगों के केस में कि आपको कॉल कर लें विद दिस एस ऑफ सोर्स एंड द मैजिशियन। एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो जब भी आपके सामने रीडिंग आती है तो उसके एक दिन के अंदर अंदर इस पर्सन के आपके पास कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बट मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि जो भी बोलेंगे तीखी जुबान से बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बहुत मैन्युपुलेटिव वे में बोलेंगे, जिसमें आप इन पर पॉइंट ना कर दो, जिसमें आप इन पर उंगली ना उठा लो, इनसे सवाल ना कर लो, एज एन बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर कर ये पर्सन बोलने वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। बहुत मैन्युपुलेटिव बातें इनकी होंगी जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको समझ में भी आ रही होंगी कि ये पर्सन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या ये बस अपनी साइड से अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो कुछ लोगों के केस में मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें, लेकिन बहुत मैन्युपुलेटिव वे में इनकी बातचीत होगी आपसे। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।